प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम सहज संतोख ए सारे गुण परमात्मा ने सहज सुभाए औरत दी चोली पा दिते। ते जे अज समाज दी हालत देखिए ते साडे समाज दे विचों ए तिन्ने गुण अलोप ही हो गए। असी सारे एक दूजे दियां पगां लाण ते लग गए। एक मैसेज जेड़ा देना सी प्रेम दा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, किधरे असी विसर ते नहीं गए। अज औरत नू फिर तो जागना पेगा, जेड़ा गुण परमात्मा ने उसनू दिता रब्बी गुण प्रेम दा, कलावे विच लैके सारी कौम नू कठे करन दा। इस स्थान ते जो इस समागम हो रहा है विरासत ए खालसा, माई भागो दा जेड़ा संकल्प असी सारे याद कर रहे हैं, ओ शब्दां नू याद कर रहे हैं कि जे तुसी लड़ना है ते लड़ो, नहीं ते घर बह जाओ चूड़ियां पाके। असी मैदाने जंग विच जावांगियां, असी लड़ांगियां, पर अज दी माई भागो नू ये संकल्प करना पेगा, जे तुसी कठे होना है ते होवो, नहीं ता असी सारियां कठियां होके बैठन लगियां। प्रेम दे नाल, एकता दे नाल सारियां दा एक स्टेज ते इकट्ठे होना अज अति जरूरी है। असी रोजाना अरदास करदे हां, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे चीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आर्यां नाल चिराए गए। जिथे सिंघां दा जिक्र आंदा है, नाल ही बराबर सिंघणियां दा जिक्र भी आंदा है कि ओनियां ही सिंघणियां सी। कुछ इतिहासिक स्रोतों तो सानू कुछ नावां दा पता चल सकिया, पर बाकी इतिहासिक स्रोत ही नहीं सन जिन्हां तो पता चल सके केड़ियां सिंघणियां ने खने खने प्रशादे ते गुजारा किता, केड़ियां सिंघणियां सी जिन्हां ने टोटे टोटे बच्चियां दे करके गलां विच हार पवाए, केड़ियां सिंघणियां सी जिन्हां ने वंगार के कई बेदावे पड़वाए वीरां दे। अज जो कौमी हालात बने ने उन्हां वल हर एक दा ध्यान है, सिख कौम दे मुद्दे हर पतित बंदा चुक रहा है, जिन्हें दाढ़ी भी रंगी है, जिन्हें दाढ़ी भी कट्टी है, जिन्हें सिर ते दस्तार भी नहीं सजाई, असी अपनी पग आप ही रोल रहे हैं। लोड़ है कट्ठे होइए, बैठिए, विचारिए किथे किथे असी गलतियां कीतियां ने। बड़ी खुशी महसूस हो रही है अज साडे कोल भाई गुरदास अकैडमी दे विद्यार्थी, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विद्यार्थी बैठे हैं। जे झात मारीए ते अज साडी दौड़ शुरू हो जाती है कि साडे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों विच पढ़न, साडे बच्चे डीएवी पब्लिक स्कूल विच पढ़न, साडे बच्चे डीपीएस विच पढ़न, पर अज देख के लग रहा है कि कदे भी कॉन्वेंट स्कूल दे, कदे भी डीपीएस दे बच्चे, कदे भी डीएवी पब्लिक स्कूल दे बच्चे इस तरह इस दीवान हॉल विच जिवें बैठे ने कदे भी सज के नहीं बिठाया जाएगा। स्कूलों वालों कदे ये परमिशन नहीं दिती जाएगी, जे विरासत ए खालसा प्रोग्राम हो रहा है, माई भागो की गल हो रही है, जे मॉरल वैल्यूज की गल हो रही है, तो साडे बच्चे गुरु की हजूरी विच बैठ के ये गल्लां सुनन ते अपने करैक्टर नूं उच्चा कर सकन। खालसा स्कूल साडियां टकसालां ने, सिख कौम दियां टकसालां ने, असी प्रण करिए इन्हां स्कूलां दे विच, इन्हां अकैडमियां दे विच जिथे गुरसिख वीर पढ़ा रहे ने, जिन्हां नूं साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है, उन्हां स्कूलां दे विच बच्चियां नूं भेजिए तां जो बच्चे आले दुआले तो नहीं अपने स्कूलों तो जाके सीख सकन कि साडे स्कूलों दे विच साडे विरसे दी गल हुंदी है, ओ महान विरसा जिस विरसे दे विच मां गुजरी ने जन्म लिया, ओ महान विरसा जिथे बीबी पानी सी, ओ महान विरसा जिथे मां खीवी सी, जिन्हें लंगर दे विच खीर दे लंगर चलाए, ओ खीर दे लंगर दे नाल समाज दे विच मिठास प्रेम वरताया। साडे दरमियान
ज्ञानी केवल सिंह जी बैठे ने, मैं बेनती करांगी 10 मिनट लई माई भागो जी के जीवन उत्ते साढ़े नाल विचार सांझे करनगे। आओ सर्वेंट करते हैं ज्ञानी केवल सिंह जी पास। जागत जोत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक गोद विच बैठे गुरु खालसा जीओ सारे बहुत अदब नाल गुरु फतेह दी सांझ पाईए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चे गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। विरासत ए खालसा दे नां ते साढ़े सत्कारयोग चैनल तो असी आज बहुत महत्वपूर्ण गल सिख इस्तरी दे करन दे लई एक जतन जिहड़ा है वो चल रहा है। फतेह टीवी चैनल इन्होंने स्थानक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आदरयोग माता पाक कौर जी इन्हां दे सहयोग दे नाल आए दा इस समागम जिहड़ा रखिया। इस समागम दे बड़े वड्डे अर्थ हन। प्यारे बच्चिओ तुसीं बैठे हो तुसीं देख रहे हो बीबा जी गल कर रहे ने वार वार सिख इस्तरी दी वर्तमान दी दशा दी गल कर रहे ने। इह अज साडी कौम दा इक संताप है। कदी आप जी बाणी नूं पढ़ोगे इतिहास नूं पढ़ोगे तो यह गल बड़ी स्पष्ट है साढ़े गुरुआं ने जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती है ये दुनिया के मनुख नूं दित्ती है समाज उस समाज नूं दित्ती जिहदे मर्द ते इस्तरी बराबर ने दोवां दी गिणती बराबर है दोवां नूं जगाउण दा काम बराबर है दोवां नूं समझाउण दा काम बराबर है। पर गुरदेव जी का जो नज़रिया है उस समाज नूं ऐसे रूप दे अंदर घड़न दा है जिहदे अंदर वो मनुख होवे जिहड़ा मनुख सच्यार बन के अपनी जिंदगी नूं बतीत करे जिहदी जिंदगी अंदर कूड़ दी कोई कंध कूड़ दी कोई दवार बिल्कुल ना हो। हुण जदों साढ़े गुरदेव पिता जी जदों साढ़े समाज की सिरजना करते ने तैयारी करते ने तो समाज की सिरजना दे लई उस सिधांत नूं अगे रख के समाज नूं सिरजदे ने। गुरदेव पिता जी ने जदों सुते पै समाज नूं जीवन दे मकसद लई तैयार करन दे लई जतन कीता तो उन्होंने एक आवाज़ मारी। आवाज़ मारदिआं की कहा ऐ दुनिया दे मनुख जे तुसी मैनू प्यार करदे जे ताड़ा धर्म जां ज्ञान दे राह ते तुरन दी इच्छा है तो इस राह ते तुरन दी जिहड़ी मर्यादा है वह इस तरह की क्योंकि हर रस्ते की मर्यादा है। असी सड़क ते जाने आ उहदे तुरन दा अपना एक निजम है। विदेशां वालिआं ने अपने निजम रखे ने धर्म की दुनिया का अपना एक असूल है। गुरु नानक की सोच निर्मल सोच है न्यारी सोच है विलखण सोच है। इसलिए गुरु नानक जी ने आवाज़ मारी जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तले गली मेरी आओ। हुण गुरु नानक जी के मार्ग ते तुरना है तो मर्यादा यह है इस मर्यादा नाल तुरिया जा सकता है। जे इन्हें नहीं तुरना हौली संसार खुला है वो जिवें दी चित करे जिंदगी जीव सकते। पर धन गुरु नानक साहब जी ने जो संसार दे मनुख नूं जिंदगी दी सेध देण दा उन्हूं जगाउण दा जिम्मेवार बनाउण दा बीड़ा चुकिया तो उन्हें आवाज़ मार के कहा जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। कहणगे जिहड़े मार्ग जिहड़ी गली दी मैं चर्चा करन लगे है ना जिहड़े मार्ग की मैं तुहानूं जानकारी देनी है इस मार्ग ते तुरन लग्या तुहानूं अपना सिर जिहड़ा है यह तली ते रखना पएगा भाव अपने निज नूं अपने स्वार्थ नूं अपने मोह नूं अपनी दुनियावी पकड़ नूं तुहानूं निशावर करना पएगा। अगर तुसीं निशावर करन दे लई तैयार हो जाओगे तो इस मार्ग दे पांधी बन सकोगे। खैर समा नहीं अपने कोल आने वाले समय अंदर तुसी विद्वान भैणां दे कोलों विचार सुनने ने इसलिए
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰੀ ਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਭਾਗੋ ਨਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਕਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਈ ਲੰਗਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ਼ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਬਾਲ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਝਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਪੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਝਬਾਲ ਲੈਣਗੇ ਸੰਭਾਲ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝਬਾਲ ਲੈਣਗੇ ਸੰਭਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾਇਆ, ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਣਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ
अज आवाज बुलंद करन दे लई अपनी भूमिका की पहचान करनी चाहिए है। सो इन्हें शब्दों के नाल मैं फतेह टीवी चैनल के सारे वीर सरदार राजवंत सिंह जी उन्होंने सारे सहयोगी साथी जिन्होंने उद्यम करदे होया इस धरती नूं आज के दिन के लिए चुनिया है इस धरती ते आउण उत्ते जी आया कहिंदे हाँ। लोकल इत्थों की साड़ी स्थानक कमेटी का भी धन्यवाद है जिहड़ा इस महत्वपूर्ण काम के लिए सहयोग कर रहे हैं। सो इन्हां बेनतियां नाल दासरा खिमां दा जा चुका है, रात ही सुनेहा लग्गिया सी कि आप जी ने अज समागम विच आउणा है, सो आउण दा मौका मिलिया है। भाई गुरदास अकैडमी पंडोरी रण सिंह दे बच्चे भी इस समागम विच शामिल होए हन, सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा माई भाग कौर जी की कमेटी, ज्ञानी केवल सिंह जी ने सम्मानित करेंगे। बोले सो निहाल, बड़े ही वधिया ढंग दे नाल ज्ञानी जी ने सानू दसिया कि सानू शंका नहीं करना चाहिदा कि माई भागो माई भाग कौर है ते माता गुजर कौर जिन्होंने असी माता गुजर कौर कहने उन्होंने भी अमृत छक के कौर बने सी ते ओ अज माता गुजर कौर ने बच्चों नू सारिया नू गुर इतिहास के लंगर जेडे इश्तहार के रूप में वंड दिते गए ने। इहदे विच कुछ क्वेश्चन आंसर ने ए पैम्फलेट दे विच, वो सारे बच्चों ने याद करके बाहर स्टॉल लग रहा है उत्थे सुना देने ने, तुहाड़ियां परचियां पै जाणगियां, उन्हां परचियां दे विचों पंज लक्की ड्रॉ कढे जाणगे, वो पंज लक्की ड्रॉ विच जिहड़े बच्चे इनाम जितणगे उन्हां नूं वधिया वधिया इनामां दे नाल सन्मानित किया जाएगा। तो इहदे विच केवल बच्चे ही नहीं वड्डे भी पार्टीसिपेट कर सकते ने, क्योंकि अज दा जो इतिहास है वह साडे घरां विचों गायब तां हो रहा है क्योंकि बच्चे सानू जदों पुछदे ने कि माई भागो कौन सी, माई भागो का जन्म स्थान केड़ा है, तो सानू ही नहीं पता होंदा। इस करके वड्डियां नूं भी बेनती है वो ये जिहड़ा इश्तहार तैयार किया गया है, क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए ने, एक एक शब्द का आंसर है सारे याद करन, आप याद करके परचा अगे वंड दो ता जो सारे ही गुर इतिहास तो जाणू हो सकीए। जिथे असी नाल नाल कीर्तन सुन रहे हां, कथा सुन रहे हां, गुरमत विचारां सुन रहे हां, उहदे नाल नाल असी अज अपने घरां दे विच माई भागो दा पूरी तरह नाल करैक्टर वो कौन सी, किथे जन्म होया सी, किन्ना सिंघां दा उहने बदावा पड़वाया सी, उस सिंघां दा जथेदार कौन सी, इह सारा कुछ याद करके अपने टिप्स ते घर लैके जाइए, उहदे नाल नाल इनाम भी जितिए। जदों प्रोग्राम दी समाप्ति होएगी पंज लक्की ड्रॉ कढे जाणगे ते उहनां सारिआं नूं इनाम भी दिते जाणगे। सारे बच्चिआं नूं वड्डिआं नूं हथ जोड़ के बेनती है कि इह गुर इतिहास दे लंगर जिहड़े ने आप भी छकीए ते अपने नाल बैठिआं नूं भी छकाइए, नाल नाल तैयारी करी जाइए। आओ सरवण करदे हां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी प्रचारक बीबी हरप्रीत कौर जी पासों माई भागो जी का इतिहास।